नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल फंडर ऐप पे आप लोगों का स्वागत है। फ्रेंड्स, ऑलरेडी मेरा जनरल साइंस चल रहा था जो हमारा वर्कशॉप कैलकुलेशन रिलेटेड है, जो कि हमारा आईटी का जितने सारे भाई है सबके लिए वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और जो हमारा भाई जो डिप्लोमा मैकेनिकल कर रहे हैं और इलेक्ट्रिकल अल्सो इलेक्ट्रिकल का भी, देखिए जो जनरल साइंस होता है सभी के लिए इंपॉर्टेंट है। ऐसा नहीं कि खाली इलेक्ट्रिकल का और नहीं तो मैकेनिकल का ही फ्रेंड्स को इंपॉर्टेंट है, सारे जितने सारे नॉन टेक्निकल फ्रेंड्स को भी, जो एसएससी है, जो पोस्टल के लिए तैयारी कर रहे हैं, कोई पुलिस डिफेंस के लिए तैयारी कर रहे हैं, सभी के लिए हमारा जो है जनरल साइंस सभी के लिए चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। तो ऑलरेडी मेरे चैनल पर देखिए, ये ऑलरेडी मैंने इसका जो प्रीवियस वीडियो में बताया था एनर्जी क्या है, पूरा ए वाला वीडियो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, अपलोड हो चुका है हमारा मेरे जो चैनल का। प्ले लिस्ट में जाइए फ्रेंड्स, प्ले लिस्ट में जाके आप देखिए जो वर्कशॉप कैलकुलेशन साइंस और फिजिक्स में जो है ऑलरेडी प्ले लिस्ट में, वो आप देखते रहिए, ठीक है। और चलिए फ्रेंड, तो फटाफट शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड, और बेल आइकन को भी दबा दो, और प्लीज़ शेयर करो। और फ्रेंड्स, मैं एक बात बताना चाहता हूँ, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना, नहीं तो आपको कोई, अगर आप तैयारी कर रहे हो, अगर आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट्स हो तो आपको तो वीडियो देखना ही चाहिए फ्रेंड्स, ठीक है। और फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो देख रहे हो, अगर आप अच्छा लग रहा है तो फ्रेंड्स एक प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर बनता है फ्रेंड्स, ठीक है। अगर लाइक नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेट नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, आप लोगों के लिए मैं कैसे वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड्स, और आप लोगों के लिए ही मैं कर रहा हूँ, आपका एग्जाम कैसे क्लियर हो जाए, आपका भविष्य कैसे चेंज हो जाए, ठीक है। आप लोगों के लिए मैं मेहनत कर रहा हूँ, मैं आपके साथ तो कोई पैसा कुछ चार्जेस नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट फ्री में आप देख रहे हो फ्रेंड, तो एक लाइक करने में क्या कोई पैसा खर्चा हो रहा है आप लोगों को, प्लीज़ एक फ्रेंड्स लाइक तो ज़रूर कर दीजिए, ठीक है। तो चले फ्रेंड्स शुरू करते हैं। देखिए आज का जो टॉपिक है वो है पोटेंशियल एनर्जी। हम एनर्जी के बारे में पढ़ रहे थे, जो काम करने के लिए जो क्षमता चाहिए उसको हम पोटेंशियल बोलते हैं, तो देखिए सॉरी एनर्जी बोलते। तो एनर्जी हमारा यहाँ पे, हमने पिछले वाले वीडियो में यहाँ पे बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी है और स्ट्रेन एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी, तीन टाइप्स का एनर्जी होता है। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, जब बॉडी कोई भी बॉडी मतलब रेस्ट कंडीशन में रह के भी काम कर सकता है उसको हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का एक डेफिनेशन है फ्रेंड्स, तो मैं इसका डेफिनेशन यहाँ पे बता देता हूँ, उसके बाद आते हैं उसका न्यूमेरिकल, उसका फॉर्मूला और उसका एग्जांपल्स में। तो ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। पहला तो है एनर्जी का कोई भी डेफिनेशन ले लो, कोई भी एक साइंटिफिक टर्म का, उसका डेफिनेशन क्या होता है, उसके बाद उसका फॉर्मूला कैसे आता है, उसका डेराइव, और उसके साथ साथ फ्रेंड उसका यूज़ कहाँ होता है, ठीक है, उसका एग्जाम्पल क्या है, बस खत्म। इतना सा आपको याद रखना है फ्रेंड, ज़्यादा इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं, एग्जाम पे कभी भी ज़्यादा डीपली नहीं आता, क्योंकि आप लोग आईएएस का एग्जाम नहीं दे रहे हो फ्रेंड्स, ठीक है, या तो कोई साइंटिस्ट का एग्जाम नहीं हो रहा है। आप जनरली कोई भी एक डिप्लोमा कर रहा हो तो टेक्निकल असिस्टेंट मैक्सिमम, नहीं तो कोई टेक्नीशियन, आईटी का भी नहीं तो कोई भी ग्रुप डी या तो टेक्नीशियन फ्रेंड, ठीक है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कोई इतना डीपली आपको जाने की जरूरत नहीं है, जितना मैं मेरे वीडियो में भी बता रहा हूँ ये बहुत इतना काफ़ी है फ्रेंड, ठीक है, क्योंकि मैं बहुत सारा एग्जाम दिया हूँ फ्रेंड्स, और आज मैंने बहुत सारे एग्जाम देने के बाद आज मैं यहाँ पे जॉब कर रहा हूँ, गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब कर रहा हूँ फ्रेंड्स, जो कि इसरो में हूँ फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत सारे मैंने एग्जाम देने के बाद मुझे ये खुद का एक एक्सपीरियंस हुआ है, अभी भी मैं बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स से, मैं जहाँ पे पहले पढ़ाता था फ्रेंड्स वहाँ के स्टूडेंट भी मुझे भेजते हैं क्वेश्चन पेपर, तो इतना डीपली नहीं रहता क्वेश्चन, फिर भी स्टूडेंट पता नहीं कि वो कर नहीं पाते, ठीक है। तो फ्रेंड्स मेरे वीडियो पर अगर आप देखोगे तो आपको वो क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे, ठीक है, पर आपको मेहनत करना पड़ेगा, आपको वीडियो देखना पड़ेगा, उसके साथ साथ आपको खुद को जितना सारे प्रॉब्लम है सब सॉल्व करना पड़ेगा, खुद को भी पढ़ाई करना पड़ेगा, बार बार रिपीट करना पड़ेगा। तो देखिए पोटेंशियल एनर्जी का यहाँ पे डेफिनेशन में लिखने वाला हूँ, यहाँ भी देखिए, द एनर्जी पोजेस्ड बाय ए बॉडी व्हेन the body is at rest or certain height, from the ground level। तो देखिए फ्रेंड यहाँ पे क्या बता रहा है पोटेंशियल एनर्जी में, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट कंडीशन, मतलब बॉडी जो है वो रेस्ट कंडीशन में है, और अथवा मतलब रेस्ट कंडीशन में, या तो वो सर्टेन हाइट पे है, जो रेस्ट कंडीशन में तो है पर कुछ हाइट्स पे, हाइट पे ग्राउंड लेवल से, मानिए ये हमारा 10 महला का एक बिल्डिंग है फ्रेंड्स, ठीक है, ये 10 महला का बिल्डिंग है और इसके ऊपर मानिए एक कोई वाटर टैंक है, ठीक है, तो यहाँ पे पानी जो है वो रेस्ट कंडीशन में,
तो देखिएगा आपको यहाँ पे ना जो फर्स्ट मोहल्ला पे ना पानी पहले आएगा, उसके बाद आएगा सेकंड मोहल्ला, उसके बाद आएगा थर्ड मोहल्ला। पता है क्यों? क्योंकि उसका जो पोटेंशियल एनर्जी होता है वाटर का वो ज़्यादा हो जाता है। तो जितना हाइट ऊपर हम करेंगे ना उसका पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा आ जाएगा और जल्दी से नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो देखिएगा आप ये प्रॉब्लम आप देखते रहोगे जहाँ जहाँ फ्लैट वगैरह होगा कभी भी, तो आपको पता चल जाएगा कि जो फर्स्ट फ्लोर के लोगों को ना क्या होता है ना जल्दी पानी आता है, और फोर्थ या तो फिफ्थ सिक्स जितना लास्ट तक जो है उसका पानी लेट में आता है। हम बोलते हैं यार हम तो नज़दीक है पर हमारा पानी क्यों नहीं जल्दी आता, पर ऐसा नहीं है फ्रेंड, नज़दीक वाले को पानी जल्दी नहीं आया क्योंकि जो नीचे वाले जो होता है उसका क्या होता है जल्दी मिलता है, बिकॉज ऑफ द क्या होता है पोटेंशियल एनर्जी जो वाटर का, वाटर कंडीशन, वाटर जो है रेस्ट कंडीशन में, अगर वो डायनामिक कंडीशन में है तो वो सबको बराबर देगा ना। मतलब मैंने यहाँ पे मोटर लगा दिया और मोटर मोटर के द्वारा सबके घर पे जा रहा है तो वो तो सबको सेम जाएगा, पर ये बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी के थ्रू जा रहा है, कोई काइनेटिक एनर्जी पे नहीं जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा जो नीचे वाला हिस्सा जितना हाइट, मतलब यहाँ पे अगर वाटर से अगर यहाँ पे हाइट जितना बढ़ेगा उसका क्या होगा ना हमारा जल्दी फास्ट पानी जाएगा, मतलब उसका एनर्जी क्या होगा एनर्जी बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो यही डेफिनेशन में ही बता रहा है फ्रेंड, द एनर्जी पोजेस्ड बाय बॉडी व्हेन द बॉडी इज एट रेस्ट और सर्टेन हाइट फ्रॉम द ग्राउंड लेवल। तो देखिए सेकेंड थिंग क्या है फ्रेंड, हमारी यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी मान लीजिए, इसका सिंबल हम ऐसा लेते हैं पीई। तो पोटेंशियल एनर्जी का हम अगर कैलकुलेशन करेंगे कैसे होगा, देखिए ये क्या होता है, यहाँ पे हाइट है और यहाँ पे एनर्जी भी है। तो एनर्जी जो है फ्रेंड, एनर्जी यहाँ पे कैसे होता है, देखिए यहाँ पे एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करते हैं फ्रेंड, हमारा जो वर्क डन है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट हम बता रहे, तो डिस्प्लेसमेंट जो है हमारा हाइट हो गया फ्रेंड और फोर्स यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, ये तो वर्क डन, तो यहाँ पे एनर्जी का लगभग सेम ही है। देखिए फ्रेंड यहाँ पे मतलब मानिए ये वाटर है, तो वाटर का कुछ एक पर्टिकुलर मास होगा। ठीक है, और ये जो हाइट जितना बढ़ रहा है और ये जो नीचे की तरफ आ रहा है इसमें तो कोई मोटर पंप वगैरह नहीं लगा हुआ है, तो पानी कैसे नीचे आ रहा है ना यहाँ पे ग्रेविटी फोर्स के द्वारा। ठीक है, तो ये तीन चीज़ आपको याद रखना है, पहले तो वाटर हमारी रेस्ट कंडीशन में है, पर अगर आप पाइप यहाँ पे लगा देंगे तो पाइप के अंदर से पानी आ रहा है, तो पाइप जितना डिस्टेंस उसको हम हाइट मान लेते हैं, और वाटर जो नीचे की तरफ आ रहा है किसके बावजूद आ रहा है, क्योंकि यहाँ पे तो कोई मोटर वगैरह हम एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पे अप्लाई नहीं कर रहे मोटर से, तो यहाँ पे क्या पानी क्यों आ रहा है ना ग्रेविटी से आ रहा है, जहाँ ऊपर से नीचे तक ग्रेविटी के द्वारा ही हमारा लगभग वाटर यहाँ पे सप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे फ्रेंड, यहाँ पे तो जो हमारा यहाँ पे आ रहा है वेट, पूरा वाटर का वेट मान लीजिए इनटू हमारा यहाँ पे हाइट हो रहा है। ठीक है, तो वेट इज इक्वल टू, यहाँ पे वेट इज इक्वल टू क्या होगा फ्रेंड, मास इनटू ग्रेविटी आएगा। वेट देखिए यहाँ पे मैंने बताया था वेट इज इक्वल टू वेट, जो रिलेशन है मास इनटू ग्रेविटी है फ्रेंड। देखिए वेट इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी, ग्रेविटी तो हमारा कॉन्स्टेंट है। ठीक है, मानिए वाटर टैंकी का पानी मानिए धीरे धीरे कम हो रहा है, तो मास कम हो रहा है वाटर का, तो यहाँ पे क्या होगा पानी स्लो हो जाएगा। तो मास यहाँ पे मान लीजिए सॉरी ग्रेविटी यहाँ पे मान लीजिए कांस्टेंट, और जो हमारा वेट है हमारा वो मास के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ पे वेट क्या होगा, अगर वाटर कम हो जाएगा तो वेट कम हो जाएगा और वहाँ पे क्या होगा पानी आना स्लो हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी की एक्चुअली फार्मूला क्या होगा, वेट इज इक्वल टू एम जी है, एम इंटू जी इंटू यहाँ पे एच को एच। ठीक है, एच तो यहाँ पे फाइनल फार्मूला है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं एम जी एच। ठीक है, तो ये सिंपल सा फार्मूला है फ्रेंड, अभी आप आराम से इसके साथ कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो मास का क्या है फ्रेंड, हमारा मास का हमारा है केजी है, और ग्रेविटी का हमारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, हाइट का हम मीटर है, तो यहाँ पे केजी इंटू मीटर स्क्वायर बाय सेकंड स्क्वायर, और केजी इंटू मीटर स्क्वायर इंटू सेकंड माइनस टू। तो ये इसका डायमेंशन भी आप लिख सकते हो आराम से, डायमेंशन इज इक्वल टू हमारा मानी मास लेंथ एंड टाइम से हम कंपेयर करते हैं, तो देखिए यहाँ पे टाइम तो कुछ नहीं है, जीरो हो जाएगा, लेंथ हमारा क्या होगा सॉरी टाइम है ना सॉरी सॉरी टाइम माइनस टू है, और हमारा मास सॉरी मीटर जो है उसका माइनस टू है, और केजी जो हमारा मास का है वो वन है। ठीक है, तो एम ऑन एम एल टू टी माइनस टू। ठीक है, ये हमारा है डायमेंशन। तो यहाँ पे देखिए जो फॉर्मूला है फ्रेंड, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटी इनटू हाइट, तो ग्रेविटी एंड हाइट सॉरी मास इनटू, यहाँ पे ग्रेविटी क्या होता है फ्रेंड, कांस्टेंट हो जाता है ना, जो हमारा ग्रेविटी है अंडर द सॉरी अर्थ का जो सेंटर की तरफ खींच रहा है जो फोर्स ग्रेविटी फोर्स वो कॉन्स्टेंट है, तो मास और हाइट यहाँ पे क्या हो रहा है चेंजेस हो रहा है,
मानिए और भी ऊपर में इस जो जो हमारे यहाँ पे जो वाटर टैंक है, मानिए और भी ऊपर करेंगे या तो नीचे करेंगे, तो हाइट क्या होगा हमारे यहाँ पे चेंज हो सकता है, मास भी चेंज हो सकता है। जब वाटर घट रहा है यहाँ पे, वाटर कम हो रहा है, वाटर ज़्यादा हम भर रहे हैं फिर दूसरे पंप से, तो वहाँ पर क्या हो रहा है, मास भी हमारे यहाँ पे चेंजेस हो रहा है। तो यहाँ पे रिलेशन देख ले, देखिए क्या होता है ना, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू हमारा मास, ग्राविटी इंटू और हाइट। तो यहाँ पे हम अगर रिलेशन देखेंगे क्या का कब क्या चेंज होगा, तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी हमारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू यहाँ पे हाइट हो रहा है, ठीक है। तो हाइट के साथ क्यों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली मतलब क्या है, जो हमारा बढ़ता है, मतलब मानिए यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी कब बढ़ेगा, जब हमारा हाइट जब इंक्रीज होगा तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, और पोटेंशियल एनर्जी हमारा कब डिक्रीज होगा फ्रेंड, जब हमारा हाइट वो घट जाएगा, ठीक है। तो ये एक रिलेशन है फ्रेंड, जो कि पोटेंशियल एनर्जी और हमारा टोटल हाइट के अंदर डिपेंड है, ठीक है। तो एक कुछ एग्जांपल देख लेते हैं फ्रेंड, हमारा पोटेंशियल एनर्जी का क्या क्या एग्जांपल हो सकता है जिसके द्वारा हम पोटेंशियल एनर्जी को बोल सकते हैं। एक टैंक ऑन ए रूफ, पहले बार तो मैं इसी का प्रॉब्लम मैंने आपको बता दिया, ए टैंक ऑन ए रूफ, ठीक है, ये एक एग्जांपल है। फिर दूसरा एग्जांपल है ए स्टोरेज रिजर्वर ऑन द हिल। तो देखिए ये तो पता है सबको, टैंक ऑन रूफ क्या है, स्टोरेज रिजर्वर क्या होता है, माने कोई भी हमारा हाइड्रो पावर प्लांट जो है फ्रेंड, हाइड्रो पावर प्लांट में क्या होता है, पानी के द्वारा हमारा डायनामो जो होता है, टर्बाइन वगैरह वो सब वर्क ऑन करते हुए उसको घुमा के पावर जनरेट करते हैं हम लोग। तो पानी का जरूरत होता है हाइड्रो पावर प्लांट में, और पानी को क्या करते हैं ना, हम स्टोर करके रखते हैं एक रिजर्वर में, जो हम बोलते हैं ना बड़ा लेक वगैरह जो है, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, या तो डैम, बड़ा बड़ा जो डैम है फ्रेंड, वो डैम्स में क्या होता है ना, पानी को स्टोर कर रखते हैं, और एक साइड से क्या करते हैं, जहाँ से हमारा पानी आ सकता है ज़्यादा, वहाँ पे क्या हाइट थोड़ा बढ़ा के, मतलब हाइट ज़्यादा ज़्यादा है वहाँ से पानी आने का, वहाँ पे क्या करते हैं, हम दो पाइप लगा देते हैं, बड़ा बहुत बड़ा पाइप दो चार लगा के, पानी बहुत हाई स्पीड से आते हैं, उसको और भी वेलोसिटी बढ़ाते हैं फ्रेंड नोजल वगैरह लगा के, वो अलग टॉपिक है, ठीक है। तो ये एग्जांपल यही है कि कोई रिजर्वर में हम अगर पानी स्टोरेज कर रखेंगे तो भी वो हमारा जो एनर्जी जो स्टोर होकर रहेगा एक पानी में, वो हमारा पोटेंशियल एनर्जी है। देखिए जो भी डैम्स में हमारा पानी स्टोर होता है ना, वो पोटेंशियल एनर्जी होता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फ्रेंड्स पोटेंशियल एनर्जी देखिए कब बढ़ता है कब घटता है, तो हाइट का एग्जाम्पल मैंने एक दे दिया, और मैकेनिकली कहाँ बढ़ता है, देखिए मैकेनिकली मानिए स्प्रिंग को एक एग्जांपल दे देता हूँ फ्रेंड, यहाँ पे स्प्रिंग इज स्ट्रेच, मानिए कोई एक स्प्रिंग है फ्रेंड, उसको आप खींच रहे हो दोनों की तरफ, मतलब ये एक स्प्रिंग है, आप यहाँ पे एक फोर्स दे रहे हो इधर का और इधर तरफ फोर्स दे रहे हो, तो स्प्रिंग क्या होगा, इसका लेंथ, ये जो लेंथ है बढ़ जाएगा फ्रेंड, ठीक है, डेल एल हो जाएगा, डेल एल प्लस एल हो जाएगा। तो क्या होगा फ्रेंड, जो ये जो एनर्जी जो स्टोर करके रखेगा वही एनर्जी को हम बोलेंगे पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे मानिए फोर्स हम अलग, मतलब यहाँ पे क्या कर रहे हैं ना, अलग डायरेक्शन में फोर्स दे रहा है, अगर मानिए सेम डायरेक्शन में फोर्स देकर हम स्प्रिंग को दबा देंगे यहाँ पे, ठीक है, तो भी क्या होगा, हमारा लेंथ चेंज होएगा, वो भी वो डेल एल प्लस एल हो जाएगा, यहाँ तो डेल एल प्लस एल नहीं होगा, यहाँ पे एल माइनस डेल एल होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, वो भी जो एक एनर्जी जो स्टोर करके रखेगा ना, वो भी हमारा क्या होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। माने कोई भी दो चार्ज है, माने एक नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, दोनों चार्ज को अगर आप एग्जैक्टली नज़दीक लोगे, नेगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज, तो भी क्या होगा, वहाँ पे जो एनर्जी क्रिएट होगा वो भी हमारा पोटेंशियल एनर्जी क्रिएट होगा। और पोटेंशियल एनर्जी देखिए ये सारे क्या है ना, इंक्रीज कब कब होता है, मैंने अभी बताया, अभी मैं बताऊंगा फ्रेंड डिक्रीज। देखिए डिक्रीज कब होगा पोटेंशियल एनर्जी, अगर मानिए ये वाटर टैंक नीचे की तरफ यहाँ पे हाइट घट रहा है तो भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, मानिए वाटर को हीट कर रहे हो फ्रेंड तो भी पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगा, क्योंकि वाटर हीट करोगे तो उसका अंदर का जो मॉलिक्यूल है वो क्या होगा, उसका जो एक बोलते हैं ना हम, उसका ऊपर का जो फोर्स होता है फ्रेंड, वाटर टू वाटर का जो पार्टिकल है, पार्टिकल टू पार्टिकल का जो बॉन्डिंग होता है वो क्या होता है, घट जाता है, तो इसके वजह से भी हमारा क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी वहाँ पर डिक्रीज होता है। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, तो प्लीज़ एक लाइक तो ज़रूर कर दो फ्रेंड,
और चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। हमारा आएगा स्टर्न एनर्जी क्या है, काइनेटिक एनर्जी क्या है, ठीक है, और दो और एक वीडियो में दोनों हो जाएगा, दो तीन वीडियो लगेगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स, आप लोग पूरा मेहनत करके प्रिपरेशन करो फ्रेंड, बहुत सारे वैकेंसी आ रहा है, अभी वैकेंसी आना शुरू हो चुका है, बहुत सारे पब्लिक सेक्टर वैकेंसी आ रहा है, फिर रेलवे का आएगा फ्रेंड्स, हर जगह वैकेंसी आता रहेगा। तो अगर आपका मोटिव क्लियर है, अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपका पूरा दिमाग से पढ़ रहे हो, देखिए ऐसा नहीं खाली पढ़ोगे तो हो जाएगा, आपको दिमाग से सही तरीके से ठीक ठाक पढ़ना पड़ेगा सिलेबस को लेके, ठीक है। और मैं जो पढ़ा रहा हूँ फ्रेंड, ओनली सिलेबस के ऊपर फोकस कर रहा हूँ, जो कि आप रेलवे का देखें, रेलवे का ऐसा होता है कि फ्रेंड एक स्पेशल वीडियो बनाऊंगा उसके लिए, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा हर एक एग्जाम, रेलवे का एग्जाम के लिए वीडियो बनाऊंगा फ्रेंड, क्या क्या उसके सिलेबस होता है, फिर फ्रेंड पढ़ाऊंगा, फिर बताऊंगा इसरो के लिए, डीआरडीओ के लिए, ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज के लिए, ठीक है, जितने सारे पब्लिक सेक्टर है उनके लिए, दिल्ली मेट्रो के लिए, गुजरात मेट्रो के लिए, तो जितना सारे टॉपिक्स है सारा के लिए मैं एक एक अलग अलग से वीडियो बनाऊंगा, जो कि आपको लिए सिलेबस के ऊपर ओनली सिलेबस क्लास रहेगा, ठीक है, क्या क्या सिलेबस आपको पढ़ना है, और मेरा टॉपिक के साथ आप सब कुछ, मैं आशा करता हूँ कि मेरे चैनल के द्वारा आपको ये टॉपिक मिल जाएगा फ्रेंड, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड, मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, थैंक्स।